बूंदी के इंद्रगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम बारिश होती रही, तो वहीं इस बारिश के चलते क्षेत्र भर में सुबह से ठंडक बनी रही। देहीखाड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश व्यास और घाट का बराना पूर्व सरपंच संदीप जैन ने बताया कि इस मावट की बारिश से किसानों को गेहूं, चना, मेथी, कलौंजी, सरसों, मसूर आदि इन फसलों को जीवनदान मिला है, लेकिन दूसरी ओर बारिश से मंडियों तक ले जाई गई उपज भीग गई है, जिससे मावट की बारिश कहीं नुकसानदायक रही तो कहीं फायदेमंद साबित हुई। तो बारा के शाहबाद के आदिवासी अंचल क्षेत्र में शीतलहर के साथ मावट की बारिश से सर्दी ने जोरदार दस्तक दी है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रात को हल्की बारिश पड़ने से फसल को मानो अमृत मिल गया हो, इससे किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान नजर आई। तो वहीं बारिश के दौर से आमजन की दिनचर्या खासी प्रभावित रही। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अलाव का सहारा भी लिया। हालांकि किसानों ने रबी की फसल के लिए इस मावट को फायदेमंद बताया है। तो वहीं बारा में बीते दो दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान अपने जिंसों को लेकर कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए आए थे, लेकिन अचानक हुई बारिश के कारण मंडी में पड़ी हुई उनकी जींस पूरी तरह भीग गई, तो वहीं कई जींस पानी के साथ बह गई। किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि उपज मंडी कमेटी की कोई व्यवस्था नहीं है। तिरपाल देने के नाम पर 2,000 रुपए पहले ही ले लिए जाते हैं, लेकिन फटे पुराने तिरपाल दिए जाते हैं। किसानों पर एडवांस में पैसे देने का दबाव भी बनाया जाता है। 60,000 बोरी धान की आवक हुई, 15,000 बोरी मक्का, 10,000 बोरी सोयाबीन की आवक हुई थी। कल प्रातः निर्धारित समय से मंडी नीलामी प्रक्रिया चालू हो गई थी। करीबन 4 बजे ऊपर से बारिश का दौर चालू हो गया, तो इससे लाखों रुपये का व्यापारियों एवं किसानों को नुकसान हुआ है। माल पूरा जींस भीग गई है, इसलिए मंडी प्रशासन एवं व्यापार मंडल द्वारा अगले 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मंडी का कामकाज बंद रहेगा और सोमवार से नीलामी व्यवस्था पूर्ण चालू हो जाएगी। वहीं झुंझुनू में एक ANM की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। कोतवाली थाने के SI महेश ने बताया कि BD के अस्पताल में लाई गई एक महिला सुनीता सांगवान की मौत हो गई है। इस संदर्भ में परिजनों ने मामला दर्ज कराया। ये महिला शहर की किसान कॉलोनी में रहती थी और BD के अस्पताल में ही कार्यरत थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, तो वहीं मौत के कारणों की जांच में जुट गई है। नीता नाम की मेल नर्स है, वो रात्रि को अचानक करके बीमार हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल आए वो ख़त्म हो गई। उसके बड़े छोटे भाई वीरेंद्र ने रिपोर्ट दिया, जिस पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। तो वे भरतपुर के रुदावल के गांव बरोदा में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो अपने खेत में पानी देने के लिए गया हुआ था, तो एक घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी मनीष शर्मा अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया। यहां डॉग स्क्वाड और FSL की टीम भी पहुंची। तो वही व्यक्ति की मौत के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रेवदर उपखंड मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में एक बार फिर इलाज के दौरान एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। वरमाण निवासी 22 वर्षीय राजूराम तीरगर को सामान्य बुखार की शिकायत पर परिजनों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर परिजनों सहित समाज के लोग भी सरकारी अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद मामला बढ़ने पर रेवदर पुलिस उप अधीक्षक रेवदर नरेंद्र सिंह देवड़ा, रेवदर तहसीलदार जितेंद्र सिंह, रेवदर थानाधिकारी कपूरा राम चौधरी सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली। मामले को लेकर परिजनों से समझाइश की। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी एक बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो राजसमंद शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे श्री संघ सभा में गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर शबद कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली से आए रागी जसपाल सिंह द्वारा कीर्तन का गायन किया गया। शबद कीर्तन सत्संग में सत गुरु नानक प्रगटया, मिट्टी धुंध जग चानन होया, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, लश्व खुशी अपात शैया, जिस सतगुरु नदर करे सरीखे कीर्तन पर श्रद्धालु झूम उठे।
गुरु नानक देव के जन्मोत्सव को प्रकाश पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो 12 के केलवाड़ा में कार्तिक पूर्णिमा पर हाड़ोती की प्रसिद्ध तीर्थस्थली सीताबाड़ी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने कुंडों में श्रद्धा की डुबकी लगाई और मंदिरों में पूजा अर्चना कर दीपदान किया। इस दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासनिक अमला जुटा रहा। यहां के लवकुश कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड में लोग एक दिवसीय मेले का भी लुत्फ उठाते नजर आए। इस अवसर पर सीताबाड़ी में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और इसके साथ ही आपको बता दें लोगों में भक्तिमय वातावरण बना रहा। तो वही बॉलीवुड अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया आज अजमेर पहुंची। डिंपल कपाड़िया ने अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत की। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अभिनेत्री ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। डिंपल कपाड़िया को दरगाह के खादिम हबीब हासमी ने जियारत करवाई और मन्नत का धागा बांधा। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के साथ आए जय कुमार और नंद किशोर के साथ अन्य सभी को सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत करवाई। खबर झुंझुनू से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों के 3 कृषि कानून वापस लेने की बात कही। उसके बाद किसान आंदोलन से जुड़े लोगों में खुशी देखी जा रही है। इसी क्रम में झुंझुनू के कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे किसानों की अगुवाई करने वाले कैप्टन मोहन लाल ने भी पीएम मोदी की घोषणा के साथ ही अपने घर से तिरंगे के साथ निकले और पूरे गली मोहल्ले में जलेबी बांटकर जश्न मनाया। उन्होंने बताया कि किसानों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ये जीत केवल किसान की नहीं बल्कि पूरे देश की है, क्योंकि यदि ये तीनों कानून लागू हो जाते तो देश का किसान बर्बाद हो जाता। तो वहीं आपको बता दें कि राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बना हुआ है। इस पर पुलिस व्यवस्था पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं और अब फिर से अज्ञात 3 चोरों ने 4 दुकानों और 1 मकान को अपना निशाना बना लिया। पीड़ित दुकान मालिक ने बताया कि पहले भी दुकान में चोरी हुई थी और उसमें भी चोर लाखों रुपए का सामान ले गए थे, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अब और चोरी होने से व्यापारियों में भी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इन दिनों नर्सरी में विशेष तरह के पौधे तैयार हो रहे हैं, जो घरों में किचन गार्डन लगाए जाने में बहुउपयोगी साबित होने वाले हैं, जिनमें खास तौर पर रोजमर्रा की खाए जाने वाली सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, प्याज, फाइबर युक्त पत्ता गोभी सहित कई सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है। विश्वविद्यालय के डायरेक्टर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दाताराम ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए इन सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है, जो कि आगामी सप्ताह से आम जनता के लिए शुरू कर दी जाएगी। किसान भी अपने खेतों में इन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। तो मैं जो शहर के जो लोग बाग है वो आजकल किचन गार्डनिंग पे पूरा ध्यान रखते हैं और उनके पास थोड़ा बहुत स्पेस होता है तो उसको काम में लेने के लिए वो किचन गार्डनिंग करते हैं। उसके लिए हमने प्याज की, आपके 3 तरह की गोभी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली है, और इसके अलावा गाजर है, टमाटर है, बैंगन है, इस तरह की पौधे वो हम किसानों के लिए या नर्सरी में तैयार करते हैं। और किसानों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोगों का यहाँ आना जाना रहता है कि वो इस यहाँ से सारी पौध लेके जाते हैं। इसके अलावा इस सीजन में लोगों के घरों में फूल वाले पौधों की बड़ी डिमांड रहती है, तो फूल वाले पौधों के लिए भी हमने गेंदा है, कोसमोस है, इस तरह के जो फूल वाले इस सीजन में जो चलने वाले पौधे हैं उसको भी हमने नर्सरी में लगा रखा है। और इस ये जो किसान भाई है या जो अपने शहर के जो इच्छुक आदमी है वो सारे इसको लेके